ताकि कोई खून के अभाव से हमारे कोई शहरवासी या देशवासी ना रह जाए। पाँच नंबर में रक्तदान शिविर लगा हुआ है, यहाँ पर शहीद भगत सिंह के परपोत्र यादवेंद्र सिंह जी आए हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जो हमारा क्या कहते हैं कि इस समय पूरा देश पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है जिसका नाम कोरोना वायरस है, उसमें देखते हुए सारी चीज़ें इस वक्त बंद हो रखी हैं, उसी में खून की कमी ना हो रह जाए, किसी को ज़रूरत हो खून की तो उसके लिए कमी ना रह जाए, उसी को देखते हुए आज ये आयोजन किया जा रहा है जिसमें रोटरी क्लब है, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड है, हेल्पिंग हैंड करके एक सोसाइटी यानी सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर इसका आयोजन किया है ताकि कोई खून के अभाव से हमारे कोई शहरवासी या देशवासी ना रह जाए, इसलिए ये किया जा रहा है। और आप देख भी रहे हैं कोविड जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ब्लड में से प्लाज्मा भी निकाला जा रहा है ताकि उनको ठीक किया जाए, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाएगा। और जितने भी डोनर्स आए हैं मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूँ कि इस समय भी वो लोग हिम्मत करके यहाँ पे आए हैं मानवता की सेवा करने के लिए। रोटरी क्लब जो संस्था काम कर रही है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए रोटरी क्लब बहुत पुरानी संस्था है, हम सब जानते हैं, हर तरह के सामाजिक कार्यों में ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आज भी ये एक समाज की ज़रूरत है। मैंने कहा कोई रक्त के अभाव से कोई व्यक्ति किसी को जो ज़रूरत हो उसके लिए बेबस ना हो जाए, उसके लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है, तो मैं रोटरी क्लब को भी और जितने भी ये सारी संस्थाएं यहाँ जुड़ के काम कर रही हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, चाहे शहीद भगत सिंह ब्रिगेड हो, चाहे रोटरी क्लब हो, चाहे हेल्पिंग है। जो आज जिन लोगों ने डोनेट किया है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उन सबको मैं अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह परिवार की तरफ से उनको सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आज भी वो लोग बाहर निकल के आए हैं और मानवता की सेवा कर रहे हैं। तो ये थे शहीद भगत सिंह के परपुत्र यादवेंद्र सिंह जी जिन्होंने आज यहाँ कैंप में आकर भाग लिया। और BSNL न्यूज़ को मजबूत करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।